हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने बेबी पैरट के लिए एक गद्देदार इसके लिए गद्दा बनाने वाले हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि ये जो बेस है इसमें एक प्लेन पेपर इसी तरह बिछा देना है, जैसे आप लोग इसको देख रहे हो इस तरह बिछा देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से कुछ अनयूज्ड पेपर लेना है जो कि आपके कोई काम का ना हो। उसके बाद क्या करना है कि इस पेपर को एक अलग से हिस्सा से निकाल लेना है। पहले इसे साइड कर लेते हैं, फिर इसे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पेज का हिस्सा को ऐसे निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ऐसे पेज को एक निकाल लेना है। अब इस पेज को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे इतने हिस्से में। उसके बाद क्या करना है कि इसको सबसे पहले बीच से इसको दो टुकड़े में काट लेना है। फिर इसको इस तरीके से डिवाइड करने के बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे। ऐसे छोटे छोटे पीस में सबको कटिंग कर लेना है। तो चलो जल्दी से पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पेपर कटिंग होने वाला है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यहाँ पे सारा पेपर कटिंग हो गया है हमारा। अब इसको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पेपर लेना है और इसको छोटा छोटा हिस्सा में कटिंग कर लेना है, यानी कि ऐसे करके इसे दो दो तीन तीन हिस्सा में बांट देना है। ऐसे इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और पैरोट के लिए एक गद्देदार घर बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से कुछ पेपर को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, हमारा पेपर कटिंग होके बिल्कुल रेडी हो गया और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये लोग को गर्मी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो धान का जो पुआल होता है वो पुआल ये लोग को डाल देते हैं और पुआल का यूज़ करते हैं। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पुआल डालने से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोगों को जब भूख लगता है तो वो पुआल को खा लेता है और उसके बाद वो उसके गला में अटक जाता है, जो कि उसको बहुत तकलीफ़ होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर बेबी पैरोट को लेके आना है और सबसे पहले इसे प्यार से बाहर निकालना है। देखो, इस तरीके से पहले इसे दोनों बेबी पैरट को बाहर निकालना है और उसके बाद ये जितने भी पेपर कटिंग किया हुआ है इसको देखो इस तरीके से इसमें डाल देना है। ऐसे डाल देना है। अब ये लोग का देखो, ये लोग का गद्देदार ये लोग का बन गया। अभी लोग आराम से इसमें खेल सकता है और उसके बाद ये लोग को इसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी मिलती रहेगी। और इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर बेबी पैरोट अगर इसमें पॉटी भी करता है तो कुछ कुछ पार्ट्स को यहाँ पे हटा के और उसको क्लीन किया जा सकता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप लोग पेपर बिछाते हैं तो वो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ऐसे करने से आपको थोड़ा आसानी होगा। तो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।